नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव निगम जी का एक कमेंट आया था हमारे पास। उन्होंने ये पूछा था कि जनवरी माह का वितरण मशीन माह का परसेंटेज नहीं बता रही है मशीन। तो गौरव जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज स्पेशली कहीं पर नहीं बताती है मशीन। शायद आपने ध्यान नहीं दिया या आपका प्रश्न पूछने में कुछ दिक्कत हो रही है। मशीन प्रतिशत नहीं बताती है, मशीन टोटल कार्ड और मशीन निकले हुए कार्ड बताती है। आपको उनमें से कैलकुलेशन करके आपको अपना परसेंटेज निकालना है, जो कि आप भलीभांति जानते हैं, मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं। तो गौरव जी, अगर आप दूसरा कुछ पूछना की कोशिश कर रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैं यही बताऊंगा, प्रतिशत नहीं आता मशीन में लिखकर, वो दूसरे तरीके से, वो हम नेक्स्ट महीने का देखते हैं उसमें, हमारी जो राशन की वेबसाइट है उस पर। तो अब हम आगे चलते हैं आज के विषय पर। तो साथियों, आज का जो विषय है, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने मेरे पास कमेंट किया, मेरे पास फ़ोन भी आया हमारे लोकल एरिया के, उन लोगों को ये बताया गया था, उनको सुनने में आया था कहीं ना कहीं से, कि जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं, इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि उनको निलंबन करने का और जांच करने का कोटेदारों की अधिकार दिया जाए। इस विषय पर बहुत कोटेदार चिंतित थे, मुझसे लगातार ये पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तव में ऐसा है, ये सब चीज़ें पूछी थी। हालांकि जब हमने और हमारी टीम ने इस विषय पर थोड़ा अध्ययन किया, तो हमें कहीं भी ना तो कोई अखबार की न्यूज़ इस तरीके की मिली, और ना ही हमें कहीं पर भी कोई ऐसा प्रमाणिक कोई पत्रक मिला ऐसा जिसको हम आपको दिखा पाते। उसके बाद में हमने संपर्क करने की कोशिश की प्रदेश अध्यक्ष से, जो गिरीश चंद तिवारी जी से। तो जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने एक पत्रक भेजा, उन्होंने माना इस बात को कि हाँ ऐसा हुआ है, और उनके संगठन ने, जो उनका ग्रुप है कोटेदारों, जो उनका संगठन है, फेडरेशन है, जो उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर उस विषय पर सरकार से अपनी कुछ मांगे की हैं, अपनी कुछ बात रखी है। तो उस बात का उन्होंने जो पत्रक है हमारे पास भेजा था, जो पत्रक हम आपको अब दिखाने वाले हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, हम अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर हम आपको उस पत्रक की पूरी जानकारी पूरा पढ़कर सुनाते हैं, चलिए चलते हैं। हाँ, तो साथियों देखिए, ये जो है हमारे पास भेजा गया है, जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश में जो संगठन चल रहा है आप कोटेदारों का, जिनके अध्यक्ष हैं राजेश तिवारी जी और कार्यकारी अध्यक्ष जयदेव सिंह यादव और अशोक सिंह प्रदेश महासचिव। गिरीश चंद तिवारी जिनसे मेरी बात हुई थी, बात नहीं हुई थी, मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था उनसे किसी माध्यम से, मैंने डायरेक्ट बात नहीं हुई है मेरी, उन्होंने ये मुझे भेजा था। तो मैंने सोचा ये आपको बता दूं कि आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ये इन्होंने दे दिया है, मार्केटिंग विभाग को राशन दुकानों का जाँच कार्य न दिए जाने के संबंध में। महोदय, सादर निवेदन है कि प्रदेश में जहाँ उत्तर प्रदेश उचित दर विक्रेताओं के द्वारा निम्नलिखित मांगें अपेक्षित हैं, कोटेदारों द्वारा 98% तक ईपॉस मशीनों से वितरण कर आसानी से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आदि का वितरण किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में डोर स्टेप डिलीवरी लागू होने के बावजूद भी मार्केटिंग विभाग द्वारा आज भी पूरे प्रदेश में राशन दुकानों को मिलने वाले खाद्यान्न में घटतौली कर कम मात्रा में जबरन दुकानदारों को देते हैं तथा बोरे का वजन भी नहीं देते हैं। उक्त की शिकायत फेडरेशन द्वारा कई बार शासन एवं प्रशासन से की जा चुकी है। जानकारी मिली है कि अब मार्केटिंग विभाग अपने अन्य कार्यों के साथ राशन दुकानों का जांच संबंधी कार्य किए जाने की मांग करता है। यदि उनको यह कार्य शासन द्वारा दिया गया तो व्यापक रूप से प्रदेश के कोटेदारों का उत्पीड़न व शोषण होगा, जैसे किसी बकरी की रखवाली है तो शेर को रखा जाए। उक्त समय में खाद्यान्न कम मात्रा एवं बोरे का वजन न देने पर कोटेदारों द्वारा विरोध करने का FIR की धमकी देकर कोटेदारों का शोषण करेंगे। वर्तमान में मार्केटिंग की घटतौली कर पर कोई भी शासन एवं प्रशासन का अधिकारी उच्च अधिकारी अंकुश नहीं लगा पा रहा है। अतः आपसे फेडरेशन निवेदन करती है कि उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए किसी भी दशा में मार्केटिंग विभाग को प्रदेश के राशन दुकानदारों का जाँच का कार्य न दिया जाए, जिससे राशन विक्रेताओं में व्याप्त असंतोष एवं असुरक्षा की भावना समाप्त हो सके। आपकी महती कृपा होगी। तो ये जो है उन्होंने दिया है, अभी दिया है या नहीं दिया इसका तो नहीं है, इन्होंने जो बना के रखा है अपना, उनको कब देना है इसमें डेट नहीं दी हुई है, लेकिन उन्होंने इसकी तैयारी की है शासन को भेजने की। ये कब भेजेंगे अभी इसका मेरे पास कोई वो नहीं दिया गया है। तो मेरा ये दायित्व था कि मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूँ, इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर सकूँ आपको कि आपका फेडरेशन क्या कर रहा है। तो जो मैंने अपना दायित्व पूरा किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हाँ, एक निवेदन जरूर है कि अगर पसंद आया है तो आप फटाफट लाइक जरूर कर दें इसको, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें। इसी के साथ मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।